वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो आप लोग फॉर्म भर रहे हैं ना D SSS B, तो इसमें जो आप लोगों की फ़ोटो से रिलेटेड बहुत सारी कमेंट आ रहे हैं आप लोगों की बार बार की, सर फोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड, लेफ्ट थंब राइट थंब किस तरीके से करें, क्या पिक्सल रहेगा, विड्थ क्या है, क्या यही फ़ोटो लेकर जानी होगी, तो उसको मैं आपको बता दूँ बहुत ही कम शब्दों में। ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँ, जो जो बोलता जाऊँ सिंपल सा स्टेप अपने सिस्टम में फॉलो कर दें। ये मोबाइल के लिए नहीं, मैं सीधे लैपटॉप के लिए ही बता रहा हूँ। और फॉर्म ये बहुत मतलब वैसा है, पेचीदा फॉर्म है, तो इसको लैपटॉप में ही भरें, मोबाइल में कतई ना भरें, ठीक है? नहीं तो गलत सलत आप भर लेंगे, फिर इसमें पता नहीं करेक्शन की डेट आती है या नहीं, ठीक है? तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आप नीचे दिखाइएगा, आपको पहले पढ़ा देता हूँ कि क्या क्या डायमेंशंस हैं। यहाँ पर आप देखेंगे साइड में आपको इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, ठीक है भाई? विड्थ कितनी रहेगी? 480 पिक्सल, हाइट 672, फॉर्मेट ये रहेगा JPG के फॉर्मेट, मैक्स साइज 300 KB। तो चलिए अब शुरू करते हैं फोटो का, ठीक है? फोटो का शुरू करते हैं एडिटिंग। कहाँ से करेंगे? तो आप सिंपल सा कुछ ना करें, इसको उधर ले जाएं, ठीक है? हाँ, तो आप जैसे ही देखेंगे तो आप पेंट खोल लेंगे अपना, ठीक है? पेंट पे फोटो को एडिट करते हैं, तो आप ऊपर जब देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिसाइज का, ठीक है? पेंट में ऑप्शन होता है रिसाइज। यहाँ पर आपको देखेगा हॉरिजेंटल वर्टिकल पिक्सल ऊपर लिखा होगा, परसेंटेज एंड पिक्सल दिख रहा होगा सब आपके सामने। यहाँ पर आप क्या करें, हॉरिजेंटल में भरें, एस्पेक्ट रेशियो कितना भरना है वो आप भर दें जो वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? सिंपल सा मैं भरता हूँ वहाँ पर, तो आप देखेंगे 480 और 672, ठीक है? जो बोला वो हमने भर दिया। जैसे ही आप ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके की फ़ोटो आ जाएगी, पूरी फोटो देखिएगा आप, आपको दिख रही होगी, कुछ इस तरीके की फ़ोटो बन जाएगी, ठीक है? ठीक है भाई, अब इसको यहाँ से हम कर लेंगे सेव, ठीक है? सेव करने के बाद यही फ़ोटो जैसे ही आप वहाँ पर लगाएंगे तो आपको जो है सिंपल सा इस तरीके से, मैंने पहले लगा रखी, आप भी लगाएंगे बिल्कुल वही फ़ोटो है तो आपको हो जाएगा, ठीक है? सिंपल सा ऑप्शन है, पेंट में करोगे पिक्सल के ऑप्शन पर जाना, वहाँ से कर लें, ठीक है भाई? अब चलते हैं थोड़ा सा सिग्नेचर की ओर, तो आप ऊपर बढ़ाएं सर। हाँ, सिग्नेचर का पहले डायमेंशन दिखा दें इन लोगों को, डायमेंशन क्या है, क्या रखनी रहेंगी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट दिया, इंस्ट्रक्शन दिया है, विड्थ रखेंगे 140 पिक्सल और हाइट 110, ठीक है? हाइट कितनी भाई साहब? 110, फॉर्मेट JPG, मैक्स हाइट 40 KB, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो चलते हैं उस तरफ, जब जैसे ही हम लोग जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा ये सिग्नेचर है मेरे, ठीक है? आपके किसी भी तरह रिसाइज में जाएंगे सिंपल सा, और जैसे ही आप रिसाइज में जाएंगे यहाँ पर पिक्सल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डायमेंशन चेंज करेंगे। आप चेंज करिएगा जो जो आपका लिखा हुआ है, हॉरिजेंटल आपकी लिखी हुई है 110 और वो लिखी हुई है 140 आई थिंक, हाँ 140। जैसे ही आप ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है भाई? तो यहाँ से डायरेक्ट ये कितने KB का बनेगा लगभग, इसको भी रिड्यूस करने पर ये अपने आप उतने का ही बनेगा, तो आप उसमें कुछ आपको ये नहीं कि रिड्यूस भी नहीं करना होगा। आप अगर साइज़ देखना चाहेंगे तो साइज़ भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, स्क्रीन सर थोड़ा सा नीचे करें, ठीक है? तो आप देखेंगे तो पेंट में एक चीज़ नीचे दिखाई देती है, 110 × 40 बराबर साइज 11.6 KB, अपने आप भाई साहब ले लेगा, आपको KB में भी रिड्यूस का कोई ड्रामा नहीं रहेगा, आप झंझट से बच जाएंगे, ठीक है? ऐसे ही फोटो में भी था, मैं आपको फोटो का भी दिखाता हूँ, ठीक है? क्योंकि हमने सारी स्लाइडें खोल रखी थी, आपको फोटो का दिखाता हूँ, आप देखिएगा फोटो का, ये देखिएगा 74.8 KB, कितना मांगा हुआ था 300 KB था मैक्सिमम, तो 74 है, देखिए कितनी अच्छी फोटो, पिक्सल भी नहीं फटे, ठीक है? आपने ये हो गया। अब चलते हैं थंब की ओर दोस्तों, ठीक है? तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें यार दोस्तों, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगेगा। ये देखिएगा थंब का पिक्सल वगैरह सर दिखा दें पहले, पिक्सल वगैरह कितने हैं फॉर्म में, पिक्सल कितना है? हाँ, फॉर्म में जैसे ही आप देखेंगे तो ये अभी मैंने सिग्नेचर, ये फर्जी फॉर्म है, आप इसके कतई ना देखें, इसको भी हम लोग चेंज भी करेंगे आपके सामने। तो विड देखिएगा 110 140, वही है इनका, सभी का सेम है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस तरफ, थंब को भी इसी तरीके से करते हैं। ये भाई साहब सिंपल स्टेप है, इससे जल्दी नहीं होगा, कोई भी आपको कुछ नहीं करना होगा। तो जैसे ही हम लोग, आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, ये देखिएगा रिसाइज में जाएंगे सिंपल सा, फिर वही स्टेप करना है, पिक्सल पर खोलेंगे और यहाँ पर सिंपल सा रिड्यूस कर दें, और हर एक लैपटॉप में आपका पेंट मिल जाएगा, ठीक है? 140 110 140 था आई थिंक, उल्टा है, अच्छा इसका उल्टा है, ओके। तो आप याद रखना थंब का भाई साहब उल्टा है, वहाँ पर 110 से 140 है,
सिग्नेचर का यहाँ पर 140 से 110 है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा साइज सर दिखाएं कितना बना, 29 केबी के आसपास आपका इसका साइज बन जाएगा, ये देखिए 29 केबी, ठीक है भाई साहब। तो ये आपका बन गया। अब इसको हम लोग सेव कर कर आपको लगा कर भी दिखाएंगे, पहले दोनों बना ले तो दूसरा भी कुछ इसी तरीके से सेम है, तो दोनों ही सेम। अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा इसको अपलोड, अपलोड करके आपको दिखा दें थंब को कि किस तरीके से आराम से लेगा। सेव कर लिए, अच्छा चलिए अब हम लोग अपने फोल्डर में जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से हम फाइल उठाते हैं भाई साहब, यहाँ से मैंने उठाई और ये देखिएगा बस सिंपल सा यहाँ किया अपलोड। जैसे ही अपलोड पर क्लिक किया तो धीरे धीरे अपलोड होगा। साइट हमें लगता है स्लो चल रही है, साइट या DSSB की काफ़ी स्लो चल रही है। चलिए सर दूसरा भी लगा दीजिए, दोनों एक साथ हो जाएंगे, एक ही एक करके होगा। साइट यार इनकी बहुत इशू चल रहा, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ चूज फाइल पे जैसे ही आप जाएंगे वहाँ से आप सेव कर लेंगे, ठीक है। तो आप पेंट में कुछ इस तरीके से सेव भी कर सकते हैं, सिंपल सा कुछ उसमें है नहीं, यहाँ आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप फाइल में जाएंगे यहाँ से, ठीक है, सेव एज में जाइएगा तो JPEG फॉर्मेट मांग रहा। देखिए PNG पिक्चर होती है जब बैकग्राउंड वैसा हो, ठीक है। PNG में वो फाइल होती है जब आपको मतलब बैक साइड हटाना हो, केवल वही लगाना हो, तो PNG होती है। JPEG मांग रहा, JPEG में सिंपल सा करेंगे। यहाँ पर आप फाइल नेम कुछ भी रख सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सा सेव हो जाएगा, तो वो आपका वहाँ पर दोनों ही मैंने कर दिए। यहाँ से आप चले जाइएगा ये और ये, ठीक है, दोनों ही अपलोड हो चुके हैं। अब दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल से स्टेप है ये, देखिएगा आप लोगों को मैंने बता दिए, ठीक है, जो कि आपको जानना ज़रूरी थे। आपको फ़ोटो भी बता दी, 480 गुणा यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, मेन यही है, ठीक है, मेन यही है। और पेंट में ही आपको करना है, इंस्ट्रक्शन विथ 480 672 और ये आपका 300 KB की फ़ोटो मैक्स साइज, और पेंट से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है भाई। सिग्नेचर हो गए, सिग्नेचर में बस याद रखना 140 × 110 है, ठीक है, विड्थ तो हाइट, और यहाँ पर उल्टा है उसका, ठीक है, रिवर्स है, 110 140 है, JPG फॉर्मेट है 40 40 40 40 का मतलब इससे मैक्स साइज है, ठीक है, मिनिमम जीरो से कुछ भी हो सकता है उससे, लेकिन ये थोड़ा याद रखना कि पिक्सल ना फटे, क्लियर रहे चीज़ें, ठीक है भाई। तो देखिएगा 10 KB के आसपास थी दोनों, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो आप लोग चीज़ों को समझें अच्छे से, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जुड़े रहें मैथ वॉरियर्स के साथ। और आप लोग एक चीज़ को और समझें, आगे भी बहुत ही जल्द वीडियो आएगा आप लोगों के लिए कि इन डिटेल में कि फॉर्म को किस तरीके से भरें, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होगी फॉर्म। बहुत ही यार इसकी एक तो साइट बहुत गड़बड़ चल रही, ठीक है, साइट का बहुत बड़ा इशू, कभी साइट तेज चलती कभी फंस जाती है, तो वो थोड़ा सा इशू आ रहा। और BEd वाले जो हैं वही TGT में भरेंगे, DLED वाले नहीं भर सकते। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लें। तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों।